तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे एक मैच बॉक्स और इस मैच बॉक्स के अंदर है थोड़ी सी तीलियां। तो इस मैच बॉक्स को मैं बंद कर देता हूं वापस और फिर से अगर मैं खोलता हूं तो ये देखिए मैच स्टिक्स इसके अंदर जो थी वो गायब हो चुकी हैं। और अगर फिर से इसको मैं क्लोज करता हूं और थोड़ा सा मैजिक करता हूं, ठीक है, तो ये मैच स्टिक्स वापस आ गई। तो गाइज ये ऐसा मैच बॉक्स है कि ये बिल्कुल मैजिकल मैच बॉक्स है और इसके अंदर कोई भी चीज आप गायब कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे मेरे पास कॉइन है 10 का, तो मैं इस कॉइन को ही गायब करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर कॉइन है, तो अभी इसको मैं अंदर बंद कर देता हूं और फिर इसको वापस खोलता हूं। ये देखिए दोस्तों कॉइन बिल्कुल गायब हो चुका है। तो फिर से इसको मैं बंद करता हूं, कॉइन को वापस लेके आता हूं। तो ये कर दिया मैंने बंद और अब मैं इसको वापस खोलता हूं। ये देखिए इंस्टेंटली कॉइन वापस आ चुका है, कॉइन रिप्रोड्यूस हो चुका है। तो गाइस इस मैच बॉक्स मैजिक ट्रिक को करने के लिए आपको गिमिक बनाना पड़ेगा और इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी दो माचिस की, ठीक है, दो मैच बॉक्स की। तो मैं यहां पे सिंपली आपको एक मैच बॉक्स का जो मेरा गिमिक बना हुआ है वो दिखा देता हूं, क्योंकि वीडियो यहां पे काफी लंबा चला जाएगा। तो काफी सिंपल है, अगर आप नहीं बना पा रहे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख के मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप देख लीजिए नॉर्मली मैंने इसका जो गेट है वो काट के इस मैच बॉक्स के इस एंड में चिपका दिया है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा एक कट लगा रखा है नीचे जिससे कि आपकी उंगली प्रॉपर वर्क कर सके उस दूसरी लेयर को खींचने के लिए। तो आपको मैं सिंपली समझा देता हूं कि ये जो मैच बॉक्स है इसका गेट काट के मैंने यहां चिपका रखा है इस मैच बॉक्स के दूसरे एंड पे, और इसके अंदर दूसरे मैच बॉक्स के ये वाला पार्ट मैंने काट रखा है दूसरे मैच बॉक्स से, और ये है वो पार्ट जो काट रखा है, और ये सेम पार्ट के बराबर आपको ये दूसरा पेपर काट लेना है, ठीक है, और इसको टेप की मदद से दोनों को आपस में चिपका देना है। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, और फिर आपको जो ये दूसरी मैच बॉक्स से काटा है वो वाले पार्ट को आप ऐसे अंदर घुसा दें जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ अंदर गड़बड़ है, ठीक है, और ये दूसरे वाले जो दूसरा वाला पार्ट है इसको आपको मैच बॉक्स के पीछे ऐसे लगा देना है और फिर मैच बॉक्स को बंद कर देना है, ठीक है। दूसरी तरफ ये चिपका हुआ है दूसरा पार्ट, और ये नॉर्मली आराम से वर्क करता है। तो आपको पूरा नहीं खोलना है जिससे पता चल जाए लोगों को, तो आपको इतना खोलना है, ठीक है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि इस गिमिक को आप आसानी से बना पाओगे, और अगर आपने आसानी से इस गिमिक को बना लिया है तो आप पक्का इस मैजिक ट्रिक को आराम से कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आपको इस मैजिक ट्रिक को कैसे करना है। तो सिंपली आप इस बॉक्स को खोल लीजिए, और अगर आपको कॉइन वेनिश करना है तो कॉइन इसके अंदर डाल दीजिए और सिंपली इसको बंद कर दीजिए। और अगर आपको कॉइन वेनिश करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाली लेयर है आपको इंडेक्स फिंगर की मदद से पकड़ना है इसको और सिंपली बॉक्स को खोल लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कॉइन वेनिश हो गया। और अगर आपको इस कॉइन को वापस रिप्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे लेयर है, ठीक है, इसके साथ ही इसको बॉक्स को खींचना है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली सिंपली ऐसे खींच लेंगे बॉक्स को, तो कॉइन रिप्रोड्यूस हो गया।